गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिशाली अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा था, ओके। टुडे आई एम गोना स्टार्ट एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। आपको फर्स्टली ये पता होना चाहिए कि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड फ्रैक्शंस, ओके। सो नाउ आई एम स्टार्ट एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग कैसे करते हैं? व्हाइल एडिंग, देखिए पहले हम पढ़ते हैं, व्हाइल एडिंग लाइक फ्रैक्शंस ओनली द न्यूमरेटर्स आर एडेड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूमरेटर होगा वो हम सिर्फ उसको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर होगा उसको हमको सेम रखना है। अगर सेम है तो ठीक है, अदरवाइज हमें डेनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल। ऐड 3/5 एंड 1/5। क्या ऐड करना है हमको? 3/5 प्लस 1/5। तो इसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या है? इक्वल है, यानी कि सेम है। तो हम इसको डेनोमिनेटर को सेम लिख देंगे। अब क्या है? 3 + 1। आंसर क्या आ गया? 4/5। इट्स सो इजी बिकॉज इट्स डेनोमिनेटर है सेम। इसका डेनोमिनेटर जो इस नंबर का है सा है वो सेम है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्ट देखते हैं, ठीक है। एक अभी हमने ऐड देखा, अब हम क्या देखते हैं? सब्सट्रैक्ट। 2/9 फ्रॉम 7/9। 7/9 से इसमें फ्रॉम मतलब जो बाद में डिजिट है मुझे पहली वाली डिजिट को सब्सट्रैक्ट करना है, -2/9। व्हाइल सब्सट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस ओनली द न्यूमरेटर्स आर सब्सट्रैक्टेड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। इस पे भी क्या होता है, सब्सट्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर्स हम का सब्सट्रैक्शन करते हैं, हमको डिनोमिनेटर सेम रखना है। चाहे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ओके। तो इसमें क्या है, 9 डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 - 2/9 और द आंसर इज 5/9 आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, सब्सट्रैक्ट 2/13 फ्रॉम होल 1। होल 1 का मतलब होता है, देख 13/13 इज इक्वल टू 1 होल हो गया। 1 जितना पूरा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 यानी का होल, तो 13/13 ये हो गया होल। अब इसमें से कितने फिल हैं? 1 और 2। कितने कलर पोर्शन से? 2, और टोटल कितने हैं? 13। डिनोमिनेटर और ऑल्सो सेम, तो क्या हो जाएगा? 13 - 2 इज इक्वल टू 11/13 इज आंसर, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या पढ़ना है हमें? अब अनलाइक फ्रैक्शंस जिसका डेनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, हमें उसका डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेंगे। ऐड फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, ऐड 2/3 एंड 1/5। कितना ऐड करना है? 2/3 प्लस 1/5। क्या इनका अब डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसका जो कॉमन मल्टीपल निकालने वाले हैं, यानी कि हम एलसीएम ले लेंगे। 3 + 3 = 5 + 5, तो ये क्या हो जाएगा? 15। 15 आ गया क्या हमारा कॉमन फ्रैक्शन। सो ये क्या था हमारे पास? 2/3। अब आप सबको पता, 3 × 5 = 15, तो जितना हम डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 5 तो 2 × 5, अब 1 × 5 × 3 तो 1 × 3, ये क्या हो जाएगा? 3 और 10। अब हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, सेम आ गया,
15, अब हमको 10 प्लस 3, हमने इसको किस में कर दिया, अनलाइक फ्रैक्शन को अब लाइक फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 13/15 आंसर। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, 3/6 4 को हमको किस में सब्सट्रैक्ट करना है, 5/6 में, अगेन हम क्या लेंगे, एलसीएम, तो हमारा 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 2 5 जा 2 और 3, 3 2 जा 6 2 जा कितना आ गया हमारा 12, कितना आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया हमारा एलसीएम 12। अब 6 2, ये आपको पता, 4 क्या हो जाएगा, 4 ये देखो फ्रॉम 5/6 हमको 5/6 में, तो 6 × हमको क्या करना पड़ेगा, 2 तो क्या हो जाएगा 12, तो 3 × 3 5 × 2 भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 4 × 3 तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12 4 × 3 3 3 जा 9 9/12। अब हम क्या करेंगे, 10 में 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिया सेम, व्हाट वी हैव 1/9 आंसर। ओके नाउ अब हम क्या देखते हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम हम एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम की हम अब देख रहे हैं। पोल ए इज 3/4 मीटर लॉन्ग, पोल ए कितना लॉन्ग है, 3/4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, इट इज 1/5 मीटर लॉन्गर देन पोल बी, कितना बड़ा है पोल बी से, 1/5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पोल बी, एक्सप्रेस द आंसर एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो हम इन दोनों को क्या देखो, हाँ हमको दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे पोल, तो हमें पता चल जाएगी हमारे बी पोल की लेंथ, तो हम 3/4 − 1/ अगेन अनलाइक फ्रैक्शन, इसको हमको किस पे कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में, तो आंसर में आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 20, 4 5 जा 20 कितना होता है, 4 5 जा 20 तो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, 5 4 जा 20 1 4 जा 4 15 − 4/20 ये देखो 15 − 4/20 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 11/20। पोल बी कितने मीटर लॉन्ग है, 11/20 मीटर लॉन्ग है, ये आपको अभी अब समझ आ गई होगी वर्ड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, द वेट ऑफ अ मेलन इज 4 kg, इट इज वन होल 3/8 kg हैवियर देन अ पपाया, व्हाट इज द वेट ऑफ द पपाया, हमें इधर पे क्या है मेलन का वेट दिया हुआ है और इतना केजी पपाया क्या है, पपाया हैवी है, इतना केजी हैवी है पपाया, तो व्हाट इज द वेट ऑफ पपाया, मेलन कितना है 4 kg, पपाया हमको पता नहीं है, इतना बस पता है कि 1 होल 3/8 है, तो कितना इतना छोटा है किससे, मेलन से, तो हम क्या लिख देंगे 4 − 1 3/8, सो अब 8/8 इज इक्वल टू कितना है 1 होल, तो पहले हम इसको होल में 8 1 जा 8 8 3 11 11/8 4 − 11/8, अब हम इसको अपॉन में 8 ले लेंगे, कितना हम ले लेंगे 8, तो इसका एक क्या हो जाएगा 8 4 8 1 into 1 था 1 into 8 लिखेंगे तभी 8 आएगा 4 into 8 32 − 11/8 व्हाट वी हैव 21/8। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, किस में कन्वर्ट करेंगे इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में, 8 2 जा 16 बचा 5 डिनोमिनेटर
5 रिमाइंडर और 8 टू जो 16 5 21 बाई 8 हमारा क्या आ गया आंसर इतना हैवी था। द वेट ऑफ द पपाया कितना था 2 होल 5 बाई 8 kg। ठीक है अब नेक्स्ट हमको क्या करना है ऐड। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं ऐड। ए नंबर क्या ऐड में 3/8 + 4/8 3 + 4 = 7/8 बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब होगी सेकेंड नंबर 6/13 + 2/11 13 11 × 143 आएगा एलसीएम 13 × 11 11 × 13 13 11 6 11 = 66 13 × 26 upon 143 6 6 12 2 carry 1 6 2 8 1 9 92 upon 143 क्या आ गया हमारा आंसर। नाउ सी नंबर 2 whole 2 upon 5 तो कितना हो जाएगा 5 + 4 2 = 4 4 = 16 1 17 upon 9 ओके सो 5 4 = 20 5 4 = 4 5 = 17 5 = 12 5 = ठीक है 12 5 = 60 + 17 5 = 85 अपॉन 20 145/20 कितना आंसर आ गया हमारा वन इसमें रॉन्ग लिखा हुआ बेटा 145/20 27 = 145/120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट हमें क्या करना है ये इसका डिनोमिनेटर सेम है तो 18 - 7 क्या कर देंगे 18 - 7 = 11/31। नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन है इसको क्या करना है देखिए ये है इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं 11 × 8 तो इसका हम एलसीएम क्या आ जाएगा 88 11 × 8 = 18 × 11 7 × 8 = 56 11 × 8 = 1 × 11 = 11 56 - 11 = 45/88 आंसर आ गया ओके okay. अब देखते हैं सी नंबर विच इज 12 7 कितना होता है 12 × 7 = 84 और 4 88 अपॉन 12 -3 3 = 9 1 10 अपॉन 3 12 3 का एलसीएम क्या आएगा 12 तो 88 -3 4 = 10 4 = 40 48/12 12 1 = 12 4 = व्हाट वी हैव आंसर 4 ओके अब नेक्स्ट देखते हैं ऐड टू द डिफरेंस ऑफ फाइव अपॉन ट्वेल्व ऑफ डिफरेंस ऑफ 1/1/4 एंड 2/5/6 इस पे आपको क्या करना है ऐड इतना टू द डिफरेंस इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उसमें आपको इतना ऐड करना है तो पहले हमको इन दोनों का क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है 1/4 - 2/5/6 4 1 = 4 1 5/4 - 6 2 = 12 or 12 6 2 = 12 5 17 by
6, 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, कितना एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा 6 2 जा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा इन दोनों का 17, 34 माइनस 15 अपॉन 4, सो 12, आ गया आंसर 19 अपॉन 12 के प्लेम, हमको कितना ऐड करना है 5 अपॉन 12, व्हाट वी हैव 24 अपॉन 12, 12 वन जे 12 टू जे 2 आंसर आ गया, इट्स सिंपल। ओके नेक्स्ट है, क्या है, करण जॉग्ड 4 होल 3 बाई 10 किलोमीटर फ्रॉम मॉल ए टू मॉल बी, ही जॉग्ड अनदर 1 होल 1/4 किलोमीटर टू मॉल टू बी टू सी, तो क्या इतने बताना है हमको, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ऑफ करण जॉग, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 and 4 जा 40, 43 अपॉन 10, 4 1 जा 4 1, 5 अपॉन 4, एलसीएम 10 और 4 का क्या आ जाएगा हमारा 20, एलसीएम कितना आ गया हमारा 20 and 4 जो 43 into 2 क्या हो जाएगा 43 into 2 6 86 प्लस 4 5 जे तो 5 कितना हो जाएगा 20, what was the answer 86 पे प्लस 20 करेंगे तो हमारे क्या बनेगा 20। नेक्स्ट, हाउ मच लॉन्गर वॉज द डिस्टेंस बिटवीन मॉल ए टू मॉल बी एंड मॉल सी, सो ये आपको मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके भेजूंगी बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स का। ओके ये दोनों प्रॉब्लम्स मैं आपको अभी आपके सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी। ओके सो अब इसके बाद जो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।